अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ मुकम्मल रिव्यू करने जा रही हूँ प्रैक्टिस बोर्ड का, कि आप इसको कहाँ से रीज़नेबल प्राइस में बाय कर सकती हैं। रीज़नेबल क्या, यहाँ पे तो आप अगर पाकिस्तान से ब्लॉइंग रखती हैं तो आपको ये पाकिस्तान में इतना महंगा यानी कि मिलेगा, आप सोच भी नहीं सकती कि 5-6 थाउज़ेंड की रेंज में ये सेल हो रहा है। अगर आप इसको ऑनलाइन बाय करेंगे, काशिश के पेज पर बाय करेंगी, तो आपको ये 6-5 हंड्रेड की 1000 की रेंज में मिलेगा। तो मैंने ये बहुत फ्री कॉस्ट में ही, आप समझ ले, इसको बाय किया है। आज मैं आपके साथ इसका मुकम्मल रिव्यू करूंगी और शेयर करूंगी कि मैंने इसको कौन सी ऐप से बाय किया है। आप किसी भी कंट्री में हैं, जहां भी हैं, दुनिया के कोई से भी कोने में हैं और आप बिगनर्स हैं, मेकअप सीखने का आपको जुनून चढ़ा हुआ है, तो आप ये प्रैक्टिस बोर्ड बाय कर सकती हैं और वो भी फ्री कॉस्ट ली इतना, यानी कि आपको अच्छे जो प्राइस में मिलेगा, इतने सस्ते कि आप सोच भी नहीं सकती। चलें जी इसका रिव्यू कर लेते हैं, कि इसको खोलते हैं, कि इसकी क्वालिटी चेक करते हैं कि क्वालिटी वाइज ये कैसा है। तो यहाँ पे इसकी क्वालिटी आप देखें तो A+ इसकी क्वालिटी है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये सिलिकॉन का मास्क आपको प्रैक्टिस स्पोर्ट मास्क के नेम से ये मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं, जैसे चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इससे क्रीज एरिया और इसकी बैक साइड से आपको ये कुछ इस तरह के शेप में मिलेगा इसके, तो आप इसको कहीं पे भी रख के, किसी भी टेबल पे रख के, बिगनर्स हैं सीखने का, आपका दिल चाह रहा है मेकअप सीखने का, तो आप बहुत इजी के साथ इस वाले प्रैक्टिस बोर्ड से अपनी जो है कर सकते हैं। आईब्रो की शेप आउट देनी आपको आ जाएगी, आपको कंटोरिंग नोज की करनी आ जाएगी, क्रेज एरिया बनाना सीख सकती हैं, आई लैश लगाना सीख सकती हैं। इसी के साथ आप अपनी जो है आईलेट पर जो आई शेडो को ब्लेंड करना सीख सकती हैं। तो बहुत आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें, क्योंकि इस चैनल पे इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहती हैं जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव होती हैं। तो सबसे पहले हम अपनी आईब्रो को शेप आउट करेंगे। जो प्रैक्टिस बोर्ड है, आप इस पर अपनी जो है आईब्रो को शेप आउट करने का हाथ भी नीट कर सकती हैं। अगर आप बिगनर्स हैं, आपको बहुत यानी कि ये बहुत जो लड़कियाँ सीखना चाहती हैं ना, उनके लिए ये बोर्ड में कहती हूँ कि बहुत यानी कि एक ज़बरदस्त किस्म की चीज़ इन्होंने निकाली है। जिन लड़कियों को मेकअप का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है कि हमें भी करना है, तो घर बैठे आप इंटरनेट से मेकअप के स्टेप देखें और इजी से प्रैक्टिस बोर्ड पे आप अप्लाई करते जाएं, तो आपको भी यानी कि मेकअप करना का इतना ईजी स्टेप आपके साथ शेयर भी करती रहती हूँ और आप सीख भी चल सकती हैं इस बोर्ड के साथ। तो इसको आप देख सकते हैं, आपने पहले अपनी जो आईब्रो है उसको फिलअप कर लेना है। इसी के साथ अगर आपको आईब्रो की जो है प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता, तो मेरे चैनल पे उसकी भी वीडियोस हैं, आप देख सकती हैं। बेस के रिलेटेड कोई से भी आईज़ मेकअप के रिलेटेड आप मेरे चैनल से वीडियो देख सकती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, हमने जो अपनी आईब्रो है उसको शेप आउट कर लेना है। मैंने जेल लाइनर के साथ इसको और हल्का सा जो है ब्राउन शेड के साथ जो है ब्लेंड किया है, और इसके बाद मैं ब्लैक कलर का जो है लाइनर मार्कर ले रही हूँ और इसके साथ मैं इसमें लाइंस क्रिएट्स कर रही हूँ। लेकिन ये अभी थोड़ी डार्क हो गई है, इसके मैं ब्रश के साथ थोड़ी सी ब्लेंड कर दूँगी। ब्लेंडिंग करने के बाद आप देख सकती हैं आईब्रो कितनी यानी कि ओरिजिनल सी लुक देने लग गई है। इसके बाद हम लेंगे कंसीलर, हुदा का लिक्विड कंसीलर मैं ले रही हूँ। तो इस बोर्ड के ऊपर यानी कि आप इतने मज़े के स्टेप के साथ मेकअप कर सकती हैं, सीख सकती हैं। इसी के साथ अगर आप वीडियोस बनाना चाहती हैं तो इस बोर्ड पे भी आप अपनी वीडियोस क्रिएट्स कर सकती हैं, कि यानी कि ये इतना आप लोगों के हेल्पफुल किस्म का ये बोर्ड है। जो लड़कियों को मेकअप का इशू रहता है कि हमें मेकअप करना नहीं आता, हम किस पे सीखें, मॉडल्स नहीं हैं, हमें खुद की आइज पे नहीं करना आता, तो उन लड़कियों के लिए ये बोर्ड बहुत हेल्पफुल किस्म का है। तो इसके प्राइस हैं, तो प्राइस मैं जब आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन अभी नहीं करूंगी, वीडियो के लास्ट पे करूंगी, पहले आप मेकअप के स्टेप सीख लें। तो इसको जो मैंने बाय किया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, मैंने कौन सी ऐप से इसको बाय किया है। कंसील आपने अपनी आईलिड को कर लेना है और आईब्रो को आपने अच्छे से शेप आउट कर लेना है। तो इसके बाद कॉम्पैक्ट पाउडर लेना है और इसके वो आपने टैप टैप करके अपनी लीड पे अप्लाई कर देना है। देन इसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, कि आई शेडो हम कैसे लगाएंगे। अगर आपको आई शेडोज नहीं लगानी आती, आप फ्लैपी ब्रश के साथ, फिंगर्स के साथ, जैसे चाहें जो है, कौन सा कलर मैं अभी सोच रही थी कि लूँ, तो इसमें मैंने ब्राउन शेड लिया है जो कि थोड़ा सा मेटेलिक शेड की तरह ही था, तो इसको मैंने फिंगर के साथ ही लगाना जो राइट समझा, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको फिंगर के साथ ही लगाया जाए। कुछ जो प्रोफेशनल्स होती हैं जो मेकअप सिखाती हैं तो फिंगर्स के साथ ही सिखाती हैं, तो इसलिए मैंने भी सोचा क्यों ना आज फिंगर्स के साथ ही ट्राई किया जाए। जो मेटेलिक शेड होते हैं वैसे भी फिंगर्स के साथ लगाने चाहिए, तो फिंगर के साथ इनकी पिगमेंटेशन बहुत ज़बरदस्त आती है।
तो इसके बाद मैंने मिस रोज़ के जो है ग्लिटर लिया है और हल्के से मैंने ऊपर अप्लाई कर दिया है। तो जस्ट आप देख सकते हैं कितने सिंपल स्टेप के साथ आप भी मेकअप करना सीख सकेंगी। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल किस्म का है अगर आपने मेकअप सीखना है। तो यहाँ पे जो है इनर कॉर्नर पे मैं जो हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ, यहाँ से आप बहुत ईजी से स्टेप सीख सकती हैं, स्टेप आप अपने यानी कि अप्लाई करना सीख सकती हैं। जो आपके पास मॉडल नहीं है, आप सोचती हैं कि हम वीडियोज़ देख लेते हैं लेकिन हम करें किस पे, तो ये उन लड़कियों के लिए बहुत बेस्ट है। तो यहाँ पे जो है मैं अपने ब्रो बोन पे भी हल्का सा हाईलाइट अप्लाई करूँगी। तो हाईलाइट जो मैंने अप्लाई किया है ये मिस रोज़ का हाईलाइट अप्लाई किया है। तो इसमें से मैंने जो गॉर्जियस रोमांटिक कूल पैलेट में से वाइट कलर का आई शेडो है जो वो भी यूज़ कर रही हूँ, लेकिन बाद में मैंने मिस रोज़ का इसके ऊपर जो है हाइलाइटर अप्लाई किया था फिंगर के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आई शेडो की पिगमेंटेशन यानी कि कितनी खूबसूरत आप जैसे चाहें शेप आउट कर सकती हैं, लाइनर लगाना सीख सकती हैं। आईलैश अगर आपको अप्लाई करनी नहीं आती, बेसिक लड़कियों को ये बहुत इशू होता है कि हमें आईलैश नहीं अप्लाई करनी आती, तो वो जब ये प्रैक्टिस बोर्ड बाय कर लेंगी तो उनको आईलैशेस भी लगानी आ जाएगी, आईलाइनर्स भी लगाना आ जाएगा, क्रीज एरिया, इसके अलावा आईब्रो को शेप आउट करना, हर तरह का। इसके बाद चलेंगे जी हमने अपने आईलैश को अप्लाई कर देना है। आईलैश अप्लाई करने के बाद ये कुछ इस तरह की शेप दे रही थी। तो इसके साथ ही अब हम चलेंगे अपने आईलाइनर की तरफ। इससे पहले मैं थोड़ी सी लो लैश लाइन पे कुछ शेड्स अप्लाई कर लूँ कि जो आईज़ की लुक है वो अच्छी सी लगे। और इनर आफ्टर कॉर्नर पे मैंने थोड़ा सा ब्लैक कलर का जो थी ब्लेंडिंग कर रही थी क्योंकि मुझे थोड़े आफ्टर कॉर्नर जो थे लाइट लग रहे थे। तो अब जो मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि जी मैंने इसको बाय कहाँ से किया है, ये मैंने alibaba.com ऐप से इसको बाय किया है। और आप सोच नहीं सकते कि मैंने इसको कितने रुपयों में बाय किया है। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, मैंने इन्हें रुपयों में बाय किया है, ना कि मैंने इन्हें हज़ारों में बाय किया है। तो ये मैंने alibaba.com ऐप से बाय किया है। अलीबाबा आपने सुना होगा ऐप का नाम, आपने सिंपली अपने मोबाइल में डाउनलोड करनी है, अपना अकाउंट बनाना है और वहाँ से आप चाइना से डायरेक्टली शॉपिंग कर सकते हैं और इसको बाय कर सकते हैं। इतने जो है रिजनेबल प्राइस में हम क्यों अपने पैसे ऐसे ही ज़ाया करें कि ये भी लोग ऐसे ही करते हैं, चाइना से एक्सपोर्ट करते हैं और इतने यानी कि प्रॉफिट में ये चीज़ें को सेल करते हैं। तो अगर आपके पास ऐप है, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए इन चीज़ों को बाय करने का। तो इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहती हैं। तो फाइनल लुक आप देख सकती हैं कितनी खूबसूरत लग रही है। इसी के साथ अगर आपने साथ मैंने एक जो है क्रीज एरिया को डिफाइन करने के लिए टूल भी शेयर किया था, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी देखें, वो भी मैंने इसी ऐप से बाय किया था। इस ऐप से जो चीज़ें आप यानी कि बाय करेंगे, इतनी अच्छी क्वालिटी की इनकी प्रोडक्ट आपको मिलेंगी क्योंकि ये डायरेक्टली आपको चाइना से ही मिलेंगी और इस ऐप के ज़रिए आपको पार्सल यानी कि मिलता है बहुत इजी तरीके के साथ। आप यहाँ से अपनी जो प्रोडक्ट है बाय कर सकती हैं, यहाँ पर तो आपको बहुत कॉस्टली मिलेंगी, वहाँ पर आपको रिजनेबल प्राइस में मिल जाएगी। तो अब मैं इसको आपको क्लीन करके दिखाती हूँ कि इसको क्लीन कैसे करना है। सिंपली आपने मेकअप रिमूवर लेना है, मैंने स्किन वाइट का मेकअप रिमूवर यूज़ कर रही हूँ, आपके पास कोई सा भी है तो आप यूज़ कर सकती हैं। तो आपने इसके बाद वेब टिश्यू लेना है और इसके साथ आपने इसको क्लीन कर देना है। अगर आपके पास मेकअप रिमूवर नहीं है तो आप बेबी ऑयल भी ले सकती हैं, बेबी जो लोशन है वो भी ले सकती हैं, और बाद में इसको लोशन अप्लाई करने के बाद आपने वेब टिश्यू के साथ इसको क्लीन कर देना है। उम्मीद करूँगी आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। यहाँ पर ये देख सकते हैं फिर न्यू का न्यू, और आप जैसे चाहें इस पर अगेन प्रैक्टिस कर सकती हैं, यानी कि आप, मैं यही आपको बार बार कह रही हूँ, अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल किस्म की चीज़ है, आप इसको ज़रूर बाय कीजिएगा। इंसान को इतना तो आना चाहिए कि हम खुद का मेकअप तो कर सकें, तो इसके लिए आपको ये प्रैक्टिस बोर्ड आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अभी तक मुझे इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्यूटोरियल के साथ, अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अभी तक मुझे इजाज़त, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।